हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनड्डा। सो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन 6 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अब आप सभी के माइंड में एक कॉन्सेंट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आना भी चाहिए सवाल, कि कितना परसेंटेज हमारा बने कि हमारा यूजीसी नेट में सिलेक्शन हो जाए, कितने मार्क्स हम लेकर के आए, कितना सेफेस्ट स्कोर होना चाहिए कि हमारा नेट क्लियर हो जाए या हमारा जो जा रहा है वो हमें मिल जाए। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, और बहुत सारे आपके जो पैसे आप अननेसेसरली वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो वो भी मैं बचाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन करने से पहले एक ओवरव्यू दे दूं कि आज है 26 सितंबर। सितंबर को भूल जाइए और दिसंबर को भूल जाइए, और इसलिए भी भूल जाइए क्योंकि नवंबर में और अक्टूबर लास्ट में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, जिसमें दिवाली, दशहरा, धनतेरस, करवा चौथ और इत्यादि इत्यादि त्यौहार आप सेलिब्रेट करने ही वाले हो। मैं कितना भी मना करूंगी वो आप मानोगे नहीं, वो आप करोगे, करना भी चाहिए, ठीक। तो इसीलिए आपके पास में अभी से सिर्फ 2 महीने का समय है प्रिपरेशन करने के लिए। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर आप बिगिनर हो, यानी कि अगर आपने अभी से तैयारी करना शुरू किया है, या अगर आप 2 महीने पहले से भी अगर आपने तैयारी करना शुरू किया है, तो क्या वास्तव में पेपर 2, जो एक्चुअल में बहुत लेंदी होता है, यूडीसी अलग अलग 83 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कराती है, अलग अलग 83 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या वास्तव में अपना पेपर 2 का पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लेंदी होता है, ये हमें भी मालूम है। लगभग 15 से 20 दिन का वक्त तो चला जाता है जब आप पढ़ते हो पेपर 2, तो सिलेबस को समझने में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेपर 1 अगर देखा जाए कंपैरेटिवली वो भी लेंदी है, बट वो आसान है। पेपर 2 लेंदी होने के साथ साथ में इन डेप्थ है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपका कोई भी पेपर हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, एजुकेशन हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, HRM हो, चाहे कोई भी आपका पेपर 2 हो, बट पेपर 1 को समझना कंपैरेटिवली पेपर 2 के थोड़ा सा आसान है। तो इन तमाम चीज़ों को आप समझिए कि आपको सही स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं अपनाते हो इस आखिरी वक्त में, तो कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो माइंड है, वो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं। कुछ 2-3 स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है कि सबसे पहले आपको पास्ट 3 साइकिल के अपने अपने सब्जेक्ट की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था जून 2023 में, उसके पहले फरवरी 2023 में, और उसके भी पहले सितंबर या जुलाई 2022 में हुआ था। आपका जो भी विषय है, लेट्स से कॉमर्स है, लेट्स से एजुकेशन है, सोशोलॉजी है या हिस्ट्री है, जो भी है आपका पेपर 2, इन 3 साइकिल में सबसे हाईएस्ट मेरिट गई है, आप उसको उठा लीजिए। अगर मैं एक नॉर्मल एवरेज लूँ तो ज़्यादातर जो पेपर 2 होते हैं उनकी जो मेरिट होती है 65%, 64% या 66%, इसी के आसपास जाती है। कुछ विषयों को छोड़ दीजिए, जैसे कि हिंदी की बात कर लें या HRM वगैरह की, तो 70% 69% जाते हैं, बट ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की जो मेरिट होती है 65-66% के आसपास जाती है। तो अब स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। नंबर 1, तो आपको ये काम करना है कि आपको पास्ट 3 साइकिल के जो भी कट ऑफ हाईएस्ट गई है उसको टारगेट करना है, उसको अपने दिमाग में रखना है, उसको कहीं लिख लीजिए, और अब इस पे काम करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 में आप इसी टारगेट पे काम करेंगे। वो कैसे? आपको पेपर 2 के सिनेरियो मैंने बता दिया कि पेपर 2 तो आपका लेंदी है, पेपर 1 भी लेंदी है, बट पेपर 1 थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली पेपर 2 के। पेपर 1 में अगर आपने एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चाहे टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन का, ये बहुत ईजी के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें एक बार अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो कितना भी ट्विस्ट करके आपसे सवाल पूछा जाए स्टेटमेंट में, एजर्शन में, रीज़न में, मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराती हूँ 9 बजे वाली क्लास में, उसमें आप देखते ही होंगे कि जो अभी आपका रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ था जून में और फरवरी में, कैसे सवाल आए थे, और जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कहीं ना कहीं, या खुद से भी अगर आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी अगर आपने करी है, तो आप उन सवाल को बहुत ईजिली कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, इंटरप्रीट कर पा रहे होगे, राइट। स्ट्रैटेजी नंबर 2 में आपको यही करना है कि 60:40 का रेशियो रखना है या 70:30 का रेशियो रखना है। 60:40, 70:30 क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस वक्त आपके पास में 2 महीने हैं, और क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, ताकि आपका जो फोकस है, आपका जो माइंड है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना चला जाए। आपका पेपर 2 बहुत वास्ट है, जो भी आपको 3 यूनिट लगती है कि डिफिकल्ट है आप उसको साइड कर दीजिए, या जो भी 4 यूनिट आपको डिफिकल्ट लगती है उसको साइड कर दीजिए शांति से। बहुत ज़्यादा माया में मत पढ़ो, आपको कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं निकालना है इसमें, आपको आपका JRF क्रैक करना है, आपको नंबर 1 पे आना है, ऐसा तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर है ऑब्जेक्टिव तो भाई आप एक्सेप्शन में है, आपके लिए अलग स्ट्रैटेजी है, बट ये नॉर्मल वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिर्फ ये टारगेट है कि मेरा JRF हो जाए। और ये जो एग्जामिनेशन है वो नेट और JRF को क्वालिफाई करने का ही है, इसमें ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे या नंबर 1 वालों को अच्छी जॉब मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपका JRF है तो आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वली उन्हीं के इक्विवेलेंट है जिनका पहला रैंक है या दूसरा रैंक है, 10वां रैंक है। JRF और नेट होना इम्पॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है, बैक टू द स्ट्रैटेजी, इसमें आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपका
वो पोर्शन जो वीक है आप उसे साइड कर सकते हैं, और वो पोर्शन जो आपका स्ट्रांग है आप उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर आप 60 क्वेश्चन पेपर टू में सही करते हो, 40 क्वेश्चन अगर आप पेपर वन में सही करते हो, इट मीन्स कि आपका 100 क्वेश्चन सही हो जाता है। 100 क्वेश्चन का मतलब होता है 66% के आसपास, और ये सेफेस्ट स्कोर है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नेट को क्वालिफाई करने के लिए, या JRF के लिए भी। JRF बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई हो जाता है, अगर मैं स्पेशली कॉमर्स की बात करूँ तो ये बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर है। अब इस पे कैसे काम करना है, 60:40 पे कैसे काम करेंगे, 70:30 पे कैसे काम करेंगे, ये काम करेंगे आप स्ट्रैटेजी नंबर 3 में। स्ट्रैटेजी नंबर 3 में आपको ये करना है कि सबसे पहले आप अभी से 3 साइकिल पहले जितने भी आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन आए हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एक पेज में या एक कॉपी में या एक जगह होने चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड की एक जगह होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की एक जगह होनी चाहिए, उसके बाद ICT के PD की एक जगह होनी चाहिए, तो जो भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं यूनिट वाइज उसे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ, और जो भी उनके ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करते हुए समझिए, उन्हें इंटरप्रीट करते हुए चलिए, ताकि अगर उन ऑप्शंस से सवाल आए तो वो आपका गलत ना हो। तो आपको यूनिट वाइज फोकस करना है, इससे आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी पता चल जाएगी कि आपका टीचिंग में कितना मार्क्स जा रहा है, आपका कम्युनिकेशन में कितना जा रहा है, आपका रिसर्च में कितना जा रहा है। साथ ही साथ में आपका दूसरा फायदा इससे ये होगा कि आपको एक पैटर्न का पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिसर्च से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन PD से पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हायर एजुकेशन से आ रहे हैं, और उनमें भी किस टॉपिक से पूछा जा रहा है सवाल, किस टॉपिक को टच किया जा रहा है। तो ये आपका बहुत ही रामबाण स्ट्रैटेजी होने वाली है जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपको ये बिल्कुल फील हो गया होगा कि ये बात आपसे अभी तक कितने लोगों ने बताई थी और कैसे बताई थी, या आपको खुद से भी अगर समझ में आया था तो कैसे समझ में आया था, या आया था या नहीं भी आया था। तो इस पे आपको काम करना है, बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ना है, और इन 3 स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनेशन है UGC NET JRF वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब ये जो मैंने आपको 3rd स्ट्रैटेजी बताई, इस पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि हार्ड वर्क से शिफ्ट होना है आपको स्मार्ट वर्क में, वो कैसे होना है। इसके लिए आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं मैम टेस्ट सीरीज कौन सी है आपकी, कितने की है, ले ले ये वो एटसेट्रा। देखिए, मेरी कोई भी टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सारा जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, फ्री में कराती हूँ, 9 बजे वाली क्लास में कराती हूँ। तो अगर आप उस क्लास में आते हो, अटेंड करते हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना है, 1 घंटे की क्लास है, उसमें बैठना है, अपने प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है, और इतने ज़्यादा आपके पास में फ्री में कंटेंट अवेलेबल है आपके समय में, इंटरनेट के टाइम में इतने ज़्यादा फ्री कंटेंट, PDF नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल है कि आपको इधर उधर कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जाने के भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ लेते हो, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास पूछने के लिए, तो आपको मैं टेस्ट सीरीज़ कितनी दूंगी, या कोई भी कितना भी टेस्ट सीरीज़ देगा, शायद 10 दे दे, या 15 दे दे, या शायद 20 दे दे। अगर कोई 10 टेस्ट सीरीज दे रहा है, मतलब एक टेस्ट सीरीज में अगर फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज दे रहा है तो 50 क्वेश्चन, 10 में यानी 500 क्वेश्चन। आपको पता है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ये एक फ्री में एप्लीकेशन है जो कि आपको 300 से भी ज़्यादा पेपर वन के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। 300 का मतलब ये हो गया कि 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देगा। मैं चाह लूँ तो फिलहाल मैं भी नहीं दे सकती हूँ आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। और अगर पेपर टू की बात करें तो इसी एप्लीकेशन में 1500 से ज़्यादा अलग अलग पेपर टू के भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ ही साथ में जो आपकी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है, आप वहाँ पे जाकर के फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं कंप्लीट, जैसा जो आपको एग्जामिनेशन में फील आता है पूरा प्रॉपर सिस्टम पे आप बैठते हो, सेम उसी तरीके से आप उस वेबसाइट पे जाकर के अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, पूरा एग्जामिनेशन वाला प्रॉपर फील ले सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन से पहले आप 2-3 बार कर भी लीजिएगा, ताकि जो आपकी एक झिझक है वो जो है वो निकल जाए। तो यहाँ से आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, टेस्ट सीरीज पे आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं स्ट्रैटेजी को समअप कर देती हूँ। 1 स्ट्रैटेजी, 5-3 साइकिल के आपको निकालने हैं जो आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ गई है वो, और उस पर काम करना है, और उस चीज़ को ध्यान में रख करके जो भी आपका पेपर वन और पेपर टू है 60:40 रेशियो रख सकते हो आप, 70:30 रेशियो रख सकते हो। एक बार वो रेशियो रखने के बाद में आपको 3 साइकिल्स के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आए उनको सॉल्व करना है, यूनिट वाइज सॉल्व करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड 4-5 पेज में टीचिंग एप्टीट्यूड कर लीजिए, और 4-5 पेज में आप कम्युनिकेशन कर लीजिए,
और ये करने के बाद में आपको इस पर भी कैसे काम करना है वो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और मैं खुद आप लोगों को 9 बजे डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराती हूँ फ्री में और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन कराती हूँ, अपडेटेड क्वेश्चन कराती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप उसे भी अटेंड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। केवीएस की बुक आपके पास में अगर है तो आप केवीएस की बुक से भी सॉल्व कर सकते हो। हर एक यूनिट के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे जो कोई भी टेस्ट सीरीज आपको नहीं देने वाली है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये एक्चुअली में सिर्फ नहीं, बहुत कुछ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा जो एक इंटेंशन है आपका सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन हो, आपका नेट क्वालिफाई हो, JRF क्वालिफाई हो, और जब आप सभी क्वालिफाई करके आकर के बताते हो है ना, तो बहुत एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। और ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, क्रैक हुआ है पास साइकिल्स में, जो मेरे साथ पढ़े हैं, वो सभी इसी स्ट्रैटेजी पर उन्होंने काम किया है। और एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले आपको ये स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, और शायद आप, मैं अगर 6 महीने पहले आपसे बात करती तो कुछ और स्ट्रैटेजी होती, बट अभी जो आपकी स्ट्रेंथ है मैं चाहती हूँ कि आप उस पर काम करें, जो आपकी वीकनेस है आप उस पर साइड करिए, उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, बट स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि उससे सवाल आए तो आपके गलत ना हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम अपनी क्लास में, टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय।